हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कंपनी ने लॉन्च की अपनी 2020 सीरीज़ TVS अपाची RTR BS6 मॉडल्स, और इसके अंदर हमारे 4V सीरीज़ लॉन्च करी है, जिसमें हमारे थ्री मॉडल्स आते हैं। पहला है हमारा इसके अंदर 204V 164V डिस्क वाला और 164V ड्रम। तो कंपनी ने अपग्रेड करके लॉन्च किया है और ये BS6 नॉम से आते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि अप्रैल 1, 2020 से ये जो रूल्स हैं BS6 के, सभी कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और फिर उन सबको BS6 मॉडल्स की जितनी बाइक्स हैं वो सब लॉन्च करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने आज ये जो बाइक्स हैं लॉन्च कर दी हैं। तो पहली आती है हमारे इसके अंदर 204V। अब मैं इसका आपको प्राइस बताता हूँ, प्राइस क्या है। तो 1,24,000 इसका एक्सोरूम प्राइस है। फिर आती है हमारी 164V डिस्क वाली, और इसका हमारा प्राइस है 1,03,000। फिर आती है हमारी 164V ड्रम वाली, और इसका प्राइस है हमारा 99,950 रुपीज़। तो अप्रोक्स 1 लाख के अप्रोक्स है। तो ये सभी बाइक्स इन प्राइस पे लॉन्च करी है कंपनी ने। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या जो है चेंजेस हुए हैं BS6 मॉडल्स में। तो पहले आती है हमारी इसके अंदर, सबसे पहले इसमें आती है LED लाइट्स। तो LED लाइट्स काफ़ी अच्छी है, और ये कुछ कुछ रिवोल्ट जैसी और कुछ कुछ ड्यूक जैसी लगती है, और आगे LED लाइट बहुत ही ब्राइट है, और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। अब तो पहले से काफ़ी अच्छा लुक है। और इसके अंदर हम चेंजेस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा पावर और टॉर्क में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, पहले से रिड्यूस कर दिया है। पहले जो वेरियंट आते थे BS4 में, उसमें थोड़ी सी जो पावर थी वो ज़्यादा थी। तो अब मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में। तो हमारी RTR 204V है, उसके अंदर कंपनी ने चेंज किया, इसमें LED लाइट्स आ गई हैं, और जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से अपडेट कर दिए हैं। और बात करें इसमें FI की, तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो न्यू लाया है कंपनी ने, और उसके साथ ही हमारे इसमें RT स्लीपर क्लच आता है। अब जो RTR 204V आई है उसके अंदर हमारा न्यू फ्यूल इंजेक्टिव सिस्टम है, और जो कि पहले से काफ़ी एडवांस हो गया है, और इसके अंदर हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई है। और साथ में हम बात करें इसमें पावर फिगर की, जो पहले से कितनी चेंज हुई है। तो BHP की बात करें तो BHP ऑलमोस्ट सेम है, 20.2 BHP एट 8,500 RPM पर, और इसका टॉर्क में थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हो गया है। तो पहले से टॉर्क था 18.1 Nm का, और अब जो कंपनी ने इसमें कर दिया है टॉर्क वह 16.8 का। तो थोड़ा सा इसमें जो है कमी आई है टॉर्क के अंदर, और सभी कुछ सेम है बाइक के अंदर। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, और वही स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स टेक्नोलॉजी है वो सही मिलती है। तो कंपनी ने इसकी प्राइस रखी है 1,24,000 एक्सोरूम डेली, और ये आपको दो कलर में अवेलेबल है, एक वाइट कलर और एक हमारा ब्लैक कलर। और साथ में आपको इसमें टायर सेम मिलते हैं, और स्लीपर क्लच आ गया है इसमें रेस्ट्यून का, और डुअल चैनल ABS के साथ इसके अंदर रियल व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन है। तो अब बात करते हैं हम RTR 164V की, उसके अंदर जो पावर फिगर है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें थोड़ी सी BHP जो कंपनी ने है वो रिड्यूस कर दी है। तो पहले इसके अंदर आती थी हमारे 16.6 BHP, और अब जो आती है इसके अंदर आती है हमारी 15.8 BHP। तो कंपनी ने इसमें थोड़ी सी जो BHP वो रिड्यूस कर दी है, पहले जो पावर थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, और टॉर्क भी थोड़ा सा कंपनी ने कम कर दिया है। तो पहले इसमें आता था 14.8 Nm का टॉर्क, और अब आता है इसके अंदर 14.1 Nm का टॉर्क। तो कंपनी ने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस किए हैं, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सेफ रहा है, और जो पोल्यूशन है वो नहीं करेंगे व्हीकल अब। और साथ में इसमें भी हमें LED लाइट मिलती है, जो कि हमारी सेम 204V से इसमें इंस्पायर है। तो लुक देखने में काफ़ी अच्छा है बाइक का, और आगे से बिल्कुल अपीलिंग लगता है। तो पहले से काफ़ी अच्छा लुक कर दिया है, और वही सेम मिलते हैं इसके अंदर हमें डुअल डिस्क और वायर टायर जो आते थे पहले। और प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसके अंदर डुअल डिस्क की प्राइस रखी है 1,03,000, और हमारा सिंगल डिस्क की प्राइस रखी है 99,950 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ इसमें रखी है। तो ये सभी बाइक जो कंपनी ने लॉन्च करी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और अपना इसमें रिव्यू दीजिए। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए नितिन ऑटो राइड्स।